बड़ौदा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल इतनी तेज हो गई है कि आए दिन सुर्खियों में चुनावों के उलटफेर की चर्चा देखने को मिलती है। इसी सरगर्मी के बीच जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ ने गोहाना भाजपा कार्यालय से पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम दोनों पार्टियां मिलकर इस चुनाव को लड़ रही हैं और हमें गाँव से भारी जन समर्थन मिल रहा है। मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूँ कि बड़ौदा हल्के में गठबंधन के प्रत्याशी की भारी मतों से जीत निश्चित है। बांगड़ ने कहा कि आज कांग्रेस की राजनीति झूठ के सहारे चल रही है। सभी साथियों का स्वागत है और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए आपने समय निकाला। आज की जो मुख्य बात है वो चुनाव प्रचार शुरू हो चुके हैं और गांव-गांव जा करके हमारे प्रत्याशी पहलवान योगेश्वर दत्त जी ने वोट मांगनी शुरू की हैं। हम भी उनके साथ थे, गांव से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, दो गांव में कवर करके आया हूं और लोगों से अप्रत्याशित सपोर्ट मिली और इसके बारे में दोनों पार्टियां मिलकर के, दोनों पार्टियों के नेता, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता मिलकर के इन गांव की सभाओं का आयोजन कर रहे हैं और आने वाले समय में पार्टी के, दोनों पार्टियों के बड़े नेता भी इस अभियान में शामिल होंगे। कल डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आए थे, आप सब लोगों ने उन्हें कवर भी किया था। उनका एक मुख्य संदेश आज हम अपने सभी कार्यकर्ताओं के बीच में लेकर के जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये मानना कि अजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहा है, सभी कार्यकर्ता ये मान करके प्रयास करें, प्रयत्न करें और गठबंधन के उम्मीदवार को भारी मतों से जिताने में जननायक जनता पार्टी का भी एक एक कार्यकर्ता इसमें सहयोगी होगा और दिन रात मेहनत करके हम योगेश्वर दत्त को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। कोई आपका सवाल हो तो देखिए। हेलो डॉक्टर साहब, पिछली बार आपका जो उम्मीदवार था उसको 32,000 मत मिले थे और बीजेपी को जो 38,000 मत मिले थे, तो क्या लगता है आपको इस बार जो है कितने मत जसपा जो है भारतीय जनता पार्टी को दिला पाएगी? ये तो आने वाला समय बताएगा, 3 तारीख को समय बताएगा, लेकिन चुनाव प्रचार दोनों पार्टियों ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव प्रचार को उठाया है और मेरा मानना है पूरा हल्का कवर करके हम वोट का अंदाज़ा बता पाएंगे। जब तक पूरा हल्का कवर नहीं होता, रिस्पॉन्स हर गांव में क्या मिलता है तब जा कर के मुख्य आंकलन होता है, बाकी उससे पहले तो अंदाजे ही मारे जाते हैं। मैं ये 2-3 गांव में मैं गया हूं, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जो मुझे उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला है। डॉक्टर साहब, जो ये 3 कानून आए थे, अध्यादेश तो वो कानून बन चुके हैं, इस पर आपकी पार्टी की क्या राय है? हमारी पार्टी का MSP जारी रहेगा और MSP के ऊपर फसल खरीदी जा रही है इस समय भी और लगातार किसान को कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और किसान को सभी सुविधाओं से लैस करके इन सब बातों का समाधान, किसान के सामने और भी कोई समस्या आती है तो उन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और कोई भी चीज़, कोई बिल आता है या कोई एक्ट बनता है वो पत्थर की लकीर नहीं होता। देश का संविधान बना था, वो उस समय जब देश का संविधान बना, जब एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट उसको कहा गया कि इसमें सब कुछ है, उस डॉक्यूमेंट में भी 100 से ऊपर सुधार हो चुके हैं। समय समय के ऊपर आवश्यकता के अनुसार देश की जैसे जैसे कोई आवश्यकता पड़ी तो संविधान में भी सुधार हुए हैं। अगर किसान को कोई समस्या आती है और उसका समाधान हमारी नीतियों से अगर नहीं होता है, कोई और सुधार की जरूरत पड़ती है तो सुधार किए जा सकते हैं।
आपके हिसाब से बदलाव होना चाहिए। अगर कोई समस्या आएगी तो उस पर विचार किया जाएगा। डॉक्टर साहब, भाजपा के सहयोगी हैं वो भाजपा को छोड़ के जा रहे हैं, आज भी जो चुलाना से परमिंदर ढोल हैं और उनके बेटे रविंदर ढोल, उन्होंने इस्तीफा ले लिया, इसको आप किस तरह देखते हैं? जननायक जनता पार्टी का कोई भी विधायक ना छोड़ के गया है, ना कोई कार्यकर्ता छोड़ के गया है। जननायक जनता पार्टी की मैं सफाई दे सकता हूँ, बीजेपी की मैं सफाई नहीं दे सकता। डॉक्टर साहब, बड़ौदा हल्का को लेके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोगों से जब सवाल किया जाता है भी आपने क्या किया, तो वो नौकरियों का सवाल भी उठाते हैं कि हमने नौकरियां दी। आप सारे हल्के को जानते हो, सारी स्थिति को जानते हो, तो क्या क्या समझते हो इस बारे में? भूपेंद्र हुड्डा की 10 साल की नौकरी और केसी बांगड़ की 4.5 साल की नौकरी कंपेयर करके देख लो, डाटा अवेलेबल है सबके सामने। शर्मा जी के पास तो 50 साल का डाटा भी है। 10 साल में भूपेंद्र हुड्डा ने इस गोहाना तहसील में एक भी कोई एचएस नहीं लगाया उसके दौरान। बांगड़ साहब, जेजेपी गोहाना तहसील में, पहला सवाल तो कंप्लीट कर लूं मैं, गोहाना तहसील में मेरे समय में दर्जनों एचएस लगे थे, सैकड़ों की संख्या में गस्टेड अफसर लगे थे, और भूपेंद्र हुड्डा के टाइम पर ना कोई गस्टेड अफसर लगा, ना कोई एचएस लगा, ना कोई अलाइड का लगा, तो कहाँ नौकरी लगे बताओ। जेजेपी और बीजेपी गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ौदा उपचुनाव जी, लेकिन आपके पीछे जो फ्लैक्स है जेजेपी का निशान भी और जेजेपी पार्टी का रंग भी यहाँ से गायब है। जो शिकायत आप कर रहे हो ये मैंने भी की है, ये शायद जल्दी चेंज हो जाएगा, अभी 5 मिनट पहले करके आया हूँ शिकायत में भी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।